फिल्म की शुरुआत डेविड बर्ड नाम के एक व्यक्ति से होती है जो लंदन में अपने दो बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहा होता है। कुछ ही देर में वो देखता है कि एक आदमी अपना फोन कचरे में फेंकता है और फिर टॉयलेट में चला जाता है। डेविड ये भी देखता है कि ट्रेन की एक महिला गार्ड काफी परेशान दिख रही है। वो गार्ड उस आदमी की जांच के लिए टॉयलेट के पास जाती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। ये देखकर डेविड पास के एक यात्री से कहता है कि वो उसके बच्चों का ध्यान रखे और फिर वो खुद गार्ड से बात करने के लिए आगे बढ़ता है। वो गार्ड को बताता है कि वो पुलिस अधिकारी है और पूछता है कि क्या हो रहा है। गार्ड बताती है कि उसे डर लग रहा है क्योंकि उन्हें सूचना मिली है कि ट्रेन में एक आतंकवादी हो सकता है। वो सोचती है कि टॉयलेट में बंद आदमी खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसका बर्ताव अजीब लग रहा है। अब डेविड फैसला करता है कि वो उस संदिग्ध आदमी का सामना करेगा और गार्ड से दरवाजा खोलने को कहता है। उसका प्लान ये है कि अगर वो आदमी बम लेकर बाहर आए तो वो उसे धक्का देकर बाहर फेंक देगा। लेकिन कुछ ही देर में वो आदमी बिना किसी बम या हथियार के बाहर आता है और आराम से अपनी सीट पर वापस बैठ जाता है। डेविड राहत की सांस लेता है और टॉयलेट में जाकर देखता है कि उसने वहां कुछ छोड़ा है या नहीं। अंदर जाने पर वो हैरान हो जाता है जब उसे एक डरी सहमी हुई औरत मिलती है जिसकी कमर पर बम बंधा होता है। वो देखता है कि महिला बहुत घबराई हुई है और ये आतंकवादी जैसा काम करना नहीं चाहती। डेविड उससे बात करने की कोशिश करता है। औरत अपना नाम नादिया बताती है और कहती है कि वो संदिग्ध आदमी उसका पति है। नादिया बम विस्फोट करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसे शांत करता है। वो नादिया से कहता है कि बतौर सैनिक के रूप में उसने अफगानिस्तान में आतंकवाद और हिंसा देखी है जिसका अंत कभी अच्छा नहीं होता। डेविड नादिया से कहता है कि वो ये सब छोड़ दे और उसे उसके पति से बचाने का वादा करता है। कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है और पुलिस अंदर आ जाती है। वे नादिया को मारने ही वाले होते हैं कि डेविड उन्हें रोकता है और बताता है कि नादिया आत्मसमर्पण करने को तैयार है। नादिया आखिरकार टॉयलेट से बाहर आती है और एक ऑफिसर बम को निष्क्रिय करके उसे उसकी कमर से हटा देता है। इसके बाद नादिया के पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस उसे पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। अगले सीन में डेविड अपने बच्चों को लेकर अपनी एक्स वाइफ विकी के घर छोड़ने जाता है। बच्चों को सुलाने के बाद दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। विकी उसे रात में वहीं रुकने का ऑफर देती है। डेविड उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत मना कर देती है और कहती है कि उसका ऐसा कोई मतलब नहीं था। ये सुनकर डेविड परेशान हो जाता है और फौरन घर से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह डेविड को उसके बॉस का बुलावा आता है। बॉस उसे ट्रेन में किए गए बहादुरी के काम के लिए बधाई देती है। इसके बाद वो डेविड को गृह सचिव जूलिया मोंटाग की सुरक्षा का जिम्मा संभालने का ऑफर देती है जो प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में है। डेविड खुशी से ये नौकरी स्वीकार कर लेता है और घर जाकर जूलिया मोंटाग के बारे में कुछ जानकारी जुटाता है। उसे पता चलता है कि जूलिया विदेशी सैन्य कार्रवाइयों का समर्थन करती हैं, जिससे डेविड थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि वो अब भी अफगानिस्तान में बिताए समय से PTSD यानी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से जूझ रहा है। अगले दिन डेविड अपने पहले दिन काम पर जूलिया के साथ काम शुरू करता है। वो उसे सुझाव देता है कि उसकी सुरक्षा के लिए मंत्री भवन के अंडरग्राउंड दरवाजे से प्रवेश करे, लेकिन जूलिया इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती और बिना कुछ कहे चली जाती है। डेविड दिन भर उसका पीछा करता रहता है जब तक वो काम करती है और दिन के आखिर में उसे घर छोड़ने जाता है। ड्राइव के दौरान डेविड ड्राइवर को एक दूसरा रास्ता लेने का सुझाव देता है क्योंकि मौजूदा रास्ता उसे असुरक्षित लगता है। उसकी इस बार बार की दखल अंदाजी से जूलिया काफी नाराज हो जाती है, लेकिन डेविड कहता है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है। जब वे जूलिया के घर पहुंचते हैं तो डेविड हर कमरे की जांच करने लगता है ताकि किसी भी सुरक्षा खतरे को ढूंढ सके। इससे जूलिया फिर से परेशान हो जाती है और उसे वहां से जाने को कहती है, लेकिन डेविड जूलिया की फ्रस्ट्रेशन समझाता है। कुछ समय बाद जूलिया डेविड की रिपोर्ट पढ़ती है और उसे पता चलता है कि डेविड वही आदमी है जिसने ट्रेन बम धमाके की घटना को सफलतापूर्वक रोका था। ये जानकर वो उसके प्रति नरम हो जाती है और अपने पिछले व्यवहार के लिए माफी मांगती है। डेविड भी इसे ज्यादा तूल नहीं देता और वे हाथ मिलाकर मामले को खत्म कर देते हैं। अगले दिन जूलिया एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही होती है, तभी उसकी सहायक गलती से उस पर कॉफी गिरा देती है। डेविड तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी शर्ट ऑफर करता है और जूलिया उसकी इस मदद से इम्प्रेस हो जाती है। थोड़ी देर बाद इंटरव्यू शुरू होता है और डेविड देखता है कि जूलिया अपनी सैन्य योजनाओं पर बात कर रही है। ये सब सुनकर डेविड को तनाव होता है
क्योंकि उसे अपने युद्ध के पुराने अनुभव याद आने लगते हैं। शाम को जब वे जूलिया के घर पहुंचते हैं तो वो डेविड को उसकी शर्ट के लिए धन्यवाद देती है। वो उसे बताती है कि ट्रेन में पकड़े गए आतंकवादी को फांसी होने वाली है। जब डेविड नादिया के बारे में पूछता है तो जूलिया बताती है कि नादिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा है और वो अब भी डरी हुई है। इसके बाद जूलिया डेविड से उसके परिवार के बारे में पूछती है। डेविड बताता है कि वो शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। फिर वो जूलिया से पूछता है कि क्या वो हमेशा से राजनीति में आना चाहती थी। इस पर जूलिया जवाब देती है कि वो पहले एक क्रिमिनल लॉयर थी और कानूनी व्यवस्था की खामियों को ठीक करने के लिए उसने राजनीति में कदम रखा। डेविड उसकी कई योजनाओं से सहमत नहीं होता तो जूलिया उसे कहती है कि उसे उसके लिए वोट करने की जरूरत नहीं है, बस उसकी सुरक्षा करनी है। इसके बाद डेविड अपने घर लौटता है और फिर से विकी को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कॉल का जवाब नहीं देती, जिससे डेविड निराश हो जाता है। अगले दिन वो विकी से मिलने की उम्मीद से जाता है, सोचता है शायद वे सुलह कर लें। लेकिन विकी उसे चौंकाते हुए बताती है कि उसने किसी नए व्यक्ति से मिलना शुरू कर दिया है। ये सुनकर डेविड दुखी हो जाता है और उससे अनुरोध करता है कि अब भी तलाक न ले। वो कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो विकी उसकी पेंशन हासिल कर सकेगी, बशर्ते वे कानूनी रूप से अभी भी शादीशुदा हों। अगले दृश्य में डेविड अपने पुराने दोस्त एंडी से मिलता है, जिसके साथ वो सेना में ड्यूटी कर चुका था। एंडी का चेहरा ड्यूटी के दौरान हुए हादसे में बुरी तरह घायल हो गया था और वो मानसिक रूप से भी काफी आहत है। जब एंडी को पता चलता है कि डेविड गृह सचिव के लिए काम कर रहा है तो वो निराश हो जाता है। वो डेविड को ताने मारते हुए कहता है कि वो उन्हीं नेताओं के लिए काम कर रहा है जिन्होंने उन्हें युद्ध में मरने के लिए भेजा और उनके कई साथियों की मौत का कारण बने। डेविड को एहसास होता है कि एंडी सही कह रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अगली सुबह डेविड अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। पता चलता है कि उसका बेटा मेंटल ग्रोथ की समस्या से जूझ रहा है, जिस वजह से दूसरे बच्चे उसे लगातार तंग करते हैं। उसका बेटा स्कूल जाने से मना कर देता है, लेकिन डेविड उसे हिम्मत देता है कि वो उन बदमाशों का सामना करे और प्रिंसिपल को उनकी शिकायत करे। कोई और चॉइस न होने पर लड़का न चाहते हुए भी फिर से स्कूल के अंदर चला जाता है। बाद में जूलिया और डेविड काम के लिए जा रहे होते हैं, जब डेविड को अपनी पूर्व पत्नी विकी से बार बार कॉल आने लगती है। शुरू में वो कॉल्स को नजरअंदाज करता है, लेकिन जब कॉल्स लगातार आती रहती हैं, तो जूलिया उसे फोन उठाने के लिए कहती है। विकी उसे बताती है कि उनके बेटे के लिए जिस स्पेशल स्कूल में उन्होंने अप्लाई किया था, वहां उसकी जगह नहीं मिली। वो बहुत परेशान है, लेकिन डेविड उसे भरोसा देता है कि वे किसी और खास स्कूल का इंतजाम कर लेंगे। फिर डेविड कहता है कि वो काम पर है और फोन रख देता है। जब वे अपने लोकेशन पर पहुंचते हैं तो डेविड जूलिया से पर्सनल कॉल लेने के लिए माफी मांगता है, लेकिन जूलिया को इससे कोई परेशानी नहीं होती। ऑफिस में जूलिया एक शख्स से मिलती है जो उसे एक संभावित आतंकवादी हमले के बारे में बताता है, जो कि एक स्कूल पर होने वाला है। वो आदमी बताता है कि ये वही स्कूल है जहां डेविड के बच्चे पढ़ते हैं। ये सुनकर जूलिया चौंक जाती है। उन्हें शक है कि ये हमला डेविड के ट्रेन पर हुए आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास का बदला हो सकता है। हालांकि वे स्कूल को सूचित नहीं करने का फैसला करते हैं और लोगों में दहशत न फैलाने के लिए सुरक्षा बढ़ा देते हैं। अगली सुबह बच्चे स्कूल में खेल रहे होते हैं, तभी आतंकवादी एक सफेद वैन में आकर हमला करने की तैयारी करते हैं। ये देखकर एक टीचर जल्दी से बच्चों को अंदर ले जाता है और एक पुलिस वैन स्कूल के सामने आकर आतंकवादियों को रोकती है। फिर पुलिस आतंकवादियों पर गोली चलाती है, जिससे उनके ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा लगता है कि वे मर चुके हैं, इसलिए एक ऑफिसर ट्रक की जांच करने जाता है। लेकिन अफसोस, उनमें से एक आतंकवादी अभी भी जिंदा होता है और अचानक बम विस्फोट कर देता है। इससे गाड़ी में धमाका होता है और तीन पुलिस ऑफिसर मारे जाते हैं। बाद में जब डेविड इस हमले के बारे पता चलता है तो वो तुरंत विकी को कॉल करता है और राहत की सांस लेता है जब उसे पता चलता है कि उनके बच्चे सुरक्षित हैं। इसके बाद उसे उसके बॉस बुलाते हैं, जो उसे बताते हैं कि ये घटना उस ट्रेन हादसे का बदला हो सकती है, इसलिए उसकी पत्नी और बच्चों को किसी और हमले से बचाने के लिए सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। इससे डेविड खुश होता है, लेकिन फिर उसके बॉस उसे चौंका देते हैं कि उसे जूलिया की सुरक्षा से हटा दिया गया है और अब उसे एक डेस्क जॉब दी गई है। डेविड ये जानने की कोशिश करता है कि उसे ये सजा क्यों दी जा रही है, लेकिन उसका बॉस बताता है कि क्योंकि आतंकवादी अब उसके पीछे हैं, इसलिए जूलिया के साथ उसका रहना बहुत खतरनाक है। आखिर में डेविड को अपने सीनियर ऑफिसर के आदेश मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता।
बाद में डेविड फिर से एंडी से मिलता है और शराब पीता है। वे सरकार की आतंकवादी हमले पर दिए गए जवाब पर बात करते हैं और एंडी कहता है कि जूलिया बस इस मौके का फायदा उठाकर और भी ताकतवर बन रही है। वो पूछता है कि अगर जूलिया वही अनुभव करती जो उन्होंने किया तो वो कैसा महसूस करती। ये सुनकर डेविड चौंक जाता है क्योंकि उसे समझ आता है कि उसका दोस्त जूलिया को नुकसान पहुंचाने का प्लान बना रहा है। अगली सुबह विकी को एक खत मिलता है जिसमें बताया जाता है कि एक खास स्कूल में उनके बच्चों के लिए अचानक एक जगह खुल गई है। वो तुरंत डेविड को बताती है और वे इस खुशी का जश्न मनाते हैं। बाद में उसे उसके बॉस फिर से बुलाते हैं जो उसे बताती है कि अब उसे जूलिया के बॉडीगार्ड के रूप में फिर से काम पर रखा गया है। डेविड पूछता है कि ये कैसे हुआ तो वो जवाब देती है कि लगता है जूलिया ने कुछ ऊंचे ऑफिसर से दोस्ती कर ली है। ये सुनकर डेविड फौरन समझ जाता है कि ये जूलिया ही थी जिसने उसे वापस बुलाने और उसके बेटे के स्कूल की समस्या में मदद की। बाद में वो ड्यूटी पर रिपोर्ट करता है और जूलिया कहती है कि उसे वापस पाकर अच्छा लग रहा है। शाम को वो उसे डिनर पर बुलाती है जिसे वो खुशी से स्वीकार कर लेता है। वे अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करना शुरू करते हैं और जूलिया बताती है कि वो एक बार शादीशुदा थी। डेविड भी बताता है कि वो अपनी पत्नी से अलग हो चुका है और सिर्फ बच्चों के लिए अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। वो जूलिया को उसके बेटे के स्कूल की समस्या में मदद करने के लिए धन्यवाद देता है और जूलिया जवाब देती है कि वो राजनीति में लोगों की मदद करने के लिए आई थी। अगले दिन जूलिया और डेविड प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं। अचानक कोई कार पर गोली चलाने लगता है और ड्राइवर वहीं मर जाता है। डेविड समझ जाता है कि वे खतरे में हैं, तो वो तुरंत एक्शन लेता है और जूलिया से कहता है कि वो झुक कर बैठ जाए। गोलियां लगातार कार पर आ रही हैं, लेकिन वो उसे बताता है कि वे इस बुलेट प्रूफ कार में सुरक्षित हैं। वो उसे शांत करने के लिए उसका हाथ भी पकड़ लेता है। फिर डेविड पुलिस को फोन करता है और मदद का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आता। वहीं स्नाइपर लगातार फायरिंग करता रहता है, इसीलिए डेविड गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद वो कार से बाहर निकलकर अपने आसपास की तस्वीरें खींचता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि स्नाइपर पास की एक बिल्डिंग की छत पर है। जूलिया डरी हुई होती है और उससे विनती करती है कि वो उसे न छोड़े, लेकिन डेविड उसे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा और कहता है कि वो सिर्फ गाड़ी के अंदर ही रहे। कुछ देर बाद वो बिल्डिंग में जाता है और छत की तरफ बढ़ता है। उसे पता चलता है कि स्नाइपर उसका पुराना साथी एंडी है। एंडी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और वो डेविड से कहता है कि उसे जूलिया की हत्या करनी है। डेविड उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन एंडी खुद को गोली मार लेता है। इस घटना के बाद जूलिया की सुरक्षा के लिए उसे एक होटल में ले जाया जाता है। जब डेविड उससे मिलने जाता है तो वो अभी भी डरी और सदमे में होती है। वो रोती रहती है, लेकिन डेविड उसे बताता है कि वो अब सुरक्षित है। जब उनके हाथ एक दूसरे को छूते हैं तो जूलिया कहती है कि वो कोई रानी नहीं है और डेविड उसे छू सकता है। फिर डेविड उसे गले लगाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। इस इमोशनल मोमेंट में वे अचानक एक दूसरे को चूम लेते हैं और फिर शारीरिक संबंध बना लेते हैं। अगले दिन डेविड अपने बॉस से मिलता है जो उसके साहस के लिए उसकी सराहना करती है और उसे अवार्ड के लिए सिफारिश करने की बात करती है। बॉस ये भी जानना चाहती है कि जूलिया पिछले कुछ दिनों में किससे मिल रही थी और उसके सीक्रेट प्लान्स क्या हैं। डेविड को ये पसंद नहीं आता और कहता है कि वो ये जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन बॉस बताती है कि जूलिया एक खतरनाक पॉलिटिशियन है और उसे किसी भी हाल में रोका जाना चाहिए। वो ये भी कहती है कि जूलिया को स्कूल पर हमले के बारे में पहले से पता था, लेकिन उसने डेविड को नहीं बताया, जबकि वो जानती थी कि उसके बच्चे वहीं पढ़ते हैं। ये सुनकर डेविड चौंक जाता है और उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे, और यहीं पर फिल्म खत्म होती है।